अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपको घर के मसालों से चिकन अचार गोश्त बनाना सिखाऊंगी, तो चलें इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो इनको फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। चिकन अचार गोश्त बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए आप लोग राइट डाउन कर लें। सबसे पहले हमें चाहिए होगा चिकन आधा किलो, आप बोनलेस या विद बोन्स कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। तीन मीडियम साइज़ के टमाटर चाहिए होंगे, इनका मैंने छिलका उतार लिया और इनको काट लिया। दो मीडियम साइज़ प्याज बारीक बारीक कटे हुए, चार साबुत हरी मिर्चें दरमियान में से इन्हें कट लगा लें, एक टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, आधा कप कुकिंग ऑयल, आधा कप दही फेंटा हुआ, और अचारी टेस्ट लाने के लिए हम इसमें शामिल करेंगे कलौंजी आधा टीस्पून, मेथी दाना आधा टीस्पून और सौंफ एक टीस्पून। इसके साथ हमें चाहिए होगा नमक एक टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर दो टीस्पून और हल्दी आधी टीस्पून। चलें इसकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डाल दूंगी। और अब इसमें प्याज शामिल करूंगी। प्याज को हमने लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करना है। दरमियानी सी आंच पर आप इसको फ्राई करेंगे तो 4 से 5 मिनट में ये गोल्डन हो जाएगा। जैसा कि आप ये देख लें, हो गया ये गोल्डन। बहुत ज़्यादा आपने गोल्डन ब्राउन नहीं करना। अब हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। टमाटर शामिल करने के बाद इसको 2 से 3 मिनट के लिए मैं ढककर हल्की आंच पर पकाऊंगी ताकि टमाटर गल जाएं। आप इस तरह से टमाटरों को मैश कर लें। अब मैं इसमें शामिल करूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको इसके साथ अच्छी तरह से मिक्स करते हुए भूनूंगी। अब इसमें जाएगी नमक, मिर्च और हल्दी। बिल्कुल मसाले की तरह इसको भून लेंगे, जिस तरह भी आप नॉर्मल घर में अपने सालन के लिए मसाला तैयार करते हैं। अब इसमें ये तीनों चीजें शामिल करूंगी जो कि हमारे सालन को जबरदस्त सा अचारी टेस्ट देंगी। कलौंजी और मेथी दाना शामिल करने के बाद इसको 2 से 3 मिनट हम अच्छी तरह से भून लेंगे। मैंने इसमें सौंफ भी ऐड कर दिए। अब ये देखिए मसाला अच्छी तरह से भून चुका है, इसका ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें चिकन शामिल कर देती हूँ। चिकन डालने के बाद भी हमें इसको अच्छी तरह से भूनना है।
और अब हम इसको ढककर 4 से 5 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकाएंगे ताकि चिकन अपना पानी छोड़ दे। इसको अच्छी तरह से भूनते जाएंगे। ये प्रोसीजर आपने सारा हल्की आंच पे करना है। अब इसमें भुना हुआ दही शामिल करूंगी मैं। फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। फ्रेंड्स, याद रहे कि इस चिकन में आपने इजाफी पानी शामिल नहीं करना। चिकन का अपना पानी और जो दही से पानी रिलीज होगा इसी में ये चिकन गलेगी। इसको हम ढककर उतनी देर तक पकाएंगे कि चिकन बिल्कुल गल जाए और एक अच्छा सा मसाला तैयार हो जाए। वक्फे वक्फे से हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे। फ्रेंड्स, आप देखें ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है हमारा सालन। इसका ऑयल ऊपर आ गया। अब एक लास्ट स्टेप जो हमारा रह गया है, इसमें मैं साबुत हरी मिर्ची डालकर इसको 2 से 3 मिनट के लिए दम दे दूंगी और उसके बाद मैं इसे डिश आउट कर लूंगी। हमारा मज़ेदार सा झटपट घर में इजीली बनने वाला घर के मसालों से तैयारशुदा अचार गोश्त तैयार है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगा। अब इसको घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे नान या तंदूरी रोटी जिसके साथ भी आपको अच्छा लगे इसको सर्व करें। मिलेंगे एक नई वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।